हेलो बच्चे, अभी तक हमने लगभग एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हमारा 7वां क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सिमिलरली इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए आर इंटू सेक ए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होता है 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान कितना होता है 1, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको इसमें इस्तेमाल होगा। और आप ये भी जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम क्या करें, इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। तब देखो साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना जाएगा 1, ठीक है। इसका मान यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप लिख दो पहले कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू कॉसेक, इसका मान कितना दिया हुआ है 1, तो ये हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस उसका मान क्या बच गया सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू सेक ए, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यहाँ से भी 2, ठीक है। अब देखो आरएचएस में दिया हुआ टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, इसका मतलब हमको इस कॉस स्क्वायर को और सेक स्क्वायर को चेंज करना होगा। तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को वैल्यू को चेंज कर देंगे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस और सेक स्क्वायर ए जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, सभी को जोड़ लो 2 प्लस 1 3, 2 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 7 प्लस उसको 10 स्क्वायर ए, इसको अरेंज कर लेते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। अब इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।